दोस्तों आज हम महाभारत के एक ऐसे मजबूत व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे जिन्हें आज के मॉडर्न जमाने में राइटर और क्रिएटर अलग तरीके से दर्शाते हैं। उनके बारे में अलग अलग कहानियां बताते हैं जिनके कारण वह दूसरे करैक्टर को जस्टिफाई यानी कि प्रूव कर पाए। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि उनके साथ जो भी बदतमीजी हुई, जो भी उनके साथ बुरा व्यवहार हुआ, तो ऐसा उनके भाग्य को उनके द्वारा खुद ही बनाया गया था। उनके एरोगेंस, उनके घमंड को बताया जाता है महाभारत के युद्ध का मेन कारण। इस करैक्टर का नाम है पांचों पांडवों की प्रमुख पत्नी और राजा पांचाल की बेटी द्रौपदी। द्रौपदी के बारे में लोग अच्छी बातें कम और बुरी बातें ज्यादा करते हुए नजर आते हैं, जो कि वेद व्यास जी के टेक्स्ट के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सारी बातें टीवी सीरियल के बेस्ड होती हैं या फिर कोई फिक्शनल ऑथर यानी कि काल्पनिक कहानियों का लेखक जैसे प्लेस ऑफ इल्यूजन, कर्णा वाइफ, इन सब से जो कहानियां उठाई जाती हैं उनको देखते हुए उनके चरित्र को खराब बताया जाता है। द्रौपदी का वास्तविक नाम कृष्णा था, जिसका कारण था उनका अश्वेत रंग यानी काला रंग। हालांकि उन्हें उस समय विश्व की सबसे सुंदर औरत माना जाता था, लेकिन वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी जैसे कि रूपा गांगुली ने बी आर चोपड़ा की महाभारत में द्रौपदी का रोल करा या फिर पूजा शर्मा ने स्टार प्लस की महाभारत में द्रौपदी का रोल किया। कृष्णा के अलावा भी उनके कुछ और अन्य नाम भी थे, जैसे वो द्रुपद की बेटी थी तो उनका नाम द्रौपदी पड़ा, वो पांचाल की राजकुमारी थी इसीलिए उन्हें पांचाली भी बोला जाता था। साथ में ही द्रुपद का एक नाम था यज्ञसेन, तो द्रौपदी को यज्ञसेनी भी कहा जाता था। पांडवों का विवाह द्रौपदी से एक राजनीतिक विवाद था। पांडवों को तो पता भी नहीं था कि द्रौपदी का स्वयंवर चल रहा है। खुद वेदव्यास जी ने आकर पांडवों को बोला कि वो द्रौपदी के स्वयंवर में जाएं और द्रौपदी से विवाह करें। पांचाल राज्य भी हस्तिनापुर की तरह ही एक मजबूत स्टेट था और पांडवों के पास उस समय कोई ताकत नहीं थी। पांचाल से गठबंधन बनने का मतलब था पांडवों की सैन्य शक्ति का बढ़ना, साथ में ही उनके पास ताकत और धन का आना। वैसे इस विवाह का संदर्भ बताया जाता है भगवान शिव के उस वरदान से, जहां उन्होंने पिछले जन्म में एक वरदान दिया था कि पांच खूबियों वाले पति होंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि पांच मेजर खूबी एक ही आदमी में नहीं हो सकती हैं, कि वो वीर हो, वो ज्ञानी हो, वो सबसे ताकतवर हो, और इस तरीके की पांच खूबी थी। इसीलिए पांच आदमी से शादी हुई जिनमें वो एक एक गुण था जो वर में मांगा गया था। महाभारत का वो पहलू जो किसी टीवी सीरियल ने नहीं दिखाया, साथ में ही किसी लेखक ने उसके ऊपर कोई भी प्रकाश नहीं डाला। जब पांडव इंद्रप्रस्थ में राज कर रहे थे और युधिष्ठिर आर्यवर्त के सम्राट बन गए थे, उस समय भीम, नकुल, अर्जुन और सहदेव अलग अलग सैन्य अभियानों पर गए हुए थे। द्रौपदी पूरे साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए जिम्मेदार थी, यानी कि वो फाइनेंस मिनिस्टर थी और साथ में वो नागरिक संपर्क और शिकायत निवारण भी चलाती थी। जब द्यूत सभा में युधिष्ठिर ने खुद को खो दिया, उनका राज्य हार गए, अपने परिवार को गवा दिया और साथ में द्रौपदी को भी जुए में हार गए, तब द्रौपदी को द्यूत सभा में खींच के लाया गया। उस समय वो एक खराब अवस्था में थी जहां वो एक कपड़े में ही लिपटी हुई थी। ऐसी मुश्किल स्थिति में भी उन्होंने एक मजबूत अंदाज को बनाए रखा। उन्होंने दो सबसे मौलिक प्रश्न पूछे पूरी सभा से। जो पहला था वो ये कि क्या एक आदमी अपनी पत्नी को जुए में लगाने का अधिकार रखता है, और दूसरा ये कि एक राजा का क्या धर्म होता है। दोस्तों द्रौपदी ने कृष्ण को बताया कि दुर्योधन, शकुनी, दुशासन, कर्ण ने उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है और इस अधर्म की उनको सजा मिलनी चाहिए। कृष्ण भगवान ने भी खुद ये माना कि यहाँ बहुत बड़ा अधर्म हुआ है और जितने लोग इसमें शामिल थे उनको इस बात की सजा मिलेगी। युधिष्ठिर जो नहीं चाहते थे कि कौरवों और पांडवों में युद्ध हो, जब जब उन्होंने एक शांति वार्ता की कोशिश करी, हालांकि सत्य ये है कि वो हर बार उस शांति वार्ता में फेल ही हुए, तब तब द्रौपदी ने युधिष्ठिर को और पांडवों को उनका क्षत्रिय धर्म याद दिलाया, अपनी हुई हुई बेइज्जती याद दिलाई, पांडवों के साथ हुए षड्यंत्रों को याद दिलाया और कहा कि उन लोगों के लिए युद्ध ही आखिरी निवारण है। द्रौपदी एक मजबूत चरित्र की औरत थी और जब जब द्रौपदी पर कोई अत्याचार हुआ या उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ हुई तो उन्होंने उसका जरूर से बदला लिया। जैसे जब जयद्रथ ने उनका अपहरण करना चाहा तो जयद्रथ को इसकी सजा मिली। कीचक ने काफी बार द्रौपदी से बदतमीजी करी तो भीम ने द्रौपदी के कहने पर कीचक का वध किया। द्यूत सभा में जितने लोगों ने भी द्रौपदी की बेइज्जती करी, सबका महाभारत के युद्ध में वध हुआ। दोस्तों अब हम बात करते हैं द्रौपदी से जुड़े हुए विवाद की। सबसे ज्यादा द्रौपदी के करैक्टर को डी मीन यानी कि द्रौपदी के करैक्टर को गिराया जाता है। ऐसा बताया गया है कि कर्ण और द्रौपदी में कुछ रोमांटिक यानी कि प्रेम संबंध थे। दोस्तों ये
बात बिल्कुल ही फेक है, जिसका वेद व्यास के ऑथेंटिक टेक्स्ट या फिर KMG महाभारत, गीता प्रेस की महाभारत, कोई भी ऐसी महाभारत जिसमें कोई भी छेड़छाड़ ना की गई हो, उसमें ऐसा कोई प्रसंग मेंशन नहीं है। वर्ण पर्व में द्रौपदी ने सीधे सीधे श्री कृष्ण को बताया था कि वो कर्ण से काफी नफरत करती हैं, क्योंकि पब्लिकली कर्ण ने द्रौपदी को एक बुरे चरित्र की औरत कहा था। कुछ फोक टेल्स यानी कि दंत कथाओं में एक प्रसंग मेंशन किया जाता है, जो है जम्मू याख्यान फल का प्रसंग, जिसमें द्रौपदी ऐसा बोलती है कि उन्हें कर्ण से बहुत प्यार है और अपने आप ही फल जाके पेड़ पर लग जाता है। ऐसी कुछ कहानियां ही बताई जाती है। यदि पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम इसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे। साथ में ही भील महाभारत में भी ऐसी कुछ कहानियां बताई जाती हैं कि द्रौपदी को वासुकी उठाकर ले जाते हैं और उनके साथ रोज जबरदस्ती करते हैं और अर्जुन कुछ नहीं कर पाते, वो कर्ण की मदद लेती हैं। पर दोस्तों वेद व्यास के टेक्स्ट में कुछ भी ऐसा नहीं बताया गया है। अंधे का पुत्र अंधा, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि महाभारत के मेन कारण को द्रौपदी ही माना जाता है और ये उसका एक काफी हाई पॉइंट माना जाता है। द्रौपदी ने कभी भी दुर्योधन का अपमान नहीं किया था। अंधे का पुत्र अंधा, इस वाक्य को आप वेद व्यास जी की महाभारत में कहीं पर भी नहीं पाएंगे, ये केवल मिथ्या धारणा ही है, परंतु ये वाक्य अत्यंत लोकप्रिय हुआ। राजसूय यज्ञ के बाद जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ में ही रुक गए थे, वहाँ उन्होंने माया सभा सहित अन्य कई अद्भुत चीजें देखी। वहीं एक जगह भ्रम के छल में फंसकर वो पानी में गिर गए, जिसे देख वहाँ नकुल, सहदेव और भीम जोर जोर से हंसने लगे। महाभारत में इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कहा गया, परंतु B.R. चोपड़ा की महाभारत में दिखाया गया कि द्रौपदी ये सब देख रही थी और दुर्योधन का मजाक बनाते हुए उसे अंधे का पुत्र अंधा बोल दिया। परंतु जिसने भी महाभारत पढ़ी है वो जानते हैं कि द्रौपदी ने दुर्योधन का तिरस्कार कतई नहीं किया था। ये कंसेप्ट पहली बार 1954 में धर्मवीर भारती का प्ले अंधा युग में इंट्रोड्यूस किया गया था, और जिसको क्रिएटिव फैटरलिटी ने दुर्योधन को जस्टिफाई करने के लिए और द्रौपदी को गलत दिखाने के लिए हाथों हाथ ले लिया। दोस्तों अंधे का पुत्र अंधा की तरह एक और महाभारत का हाई फ्लैश पॉइंट सीन है, जब द्रौपदी कर्ण को अपने स्वयंवर में पार्ट लेने से रोक देती है। बाकी क्योंकि ये एक डिबेट का विषय है, इसलिए इस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। फिर भी इसके ऊपर एक बात सोचने वाली है कि महिलाओं को भी पूरा अधिकार है कि वो किससे शादी करे, किससे संबंध रखे, और यदि किसी पुरुष को रिजेक्शन मिलता है और वो इस कारण से किसी महिला को परेशान करता है, उस पर जुल्म करता है, तो इस बात से वो अपने करैक्टर को कतई जस्टिफाई नहीं कर पाता है। तो इसीलिए जो लोग कहते हैं कि कर्ण ने द्रौपदी पर इसलिए जुल्म किए थे क्योंकि उसने उसे रिजेक्ट कर दिया था, तो अगर ऐसे भी देखा जाए तो भी कर्ण का वो एटीट्यूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था, क्योंकि किसी भी स्त्री को अधिकार है कि वो किसी पुरुष से शादी करना चाहती है या नहीं। अब अगर कर्ण को रिजेक्शन मिला था तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए था, ना कि द्रौपदी पे जुल्म करने चाहिए थे। दोस्तों दक्षिण भारत में एक प्रचलित मान्यता के अनुसार द्रौपदी काली माँ का अवतार थी, जो भारत के सभी अभिमानी राजाओं का वध करने के लिए ही पैदा हुई थी और श्री कृष्ण की सहायता के लिए पैदा हुई थी। इसीलिए ये कहा जाता है कि द्रौपदी पांचों पांडव, सभी कौरव और 18 अक्षौहिणी सेनाओं के विनाश के लिए ही पैदा हुई थी। भगवान हरिविष्णु भगवान श्री कृष्ण के रूप में द्वापर युग में पैदा हुए थे और काली देवी पार्वती का ही एक रूप है और इसीलिए उन्हें भाई बहन का दर्जा दिया जाता है। हालांकि द्रौपदी का जन्म अग्नि से हुआ था, लेकिन मुझे हैरानी होती है जब हमने बहुत सी YouTube पर वीडियोस देखी है जहां पर द्रौपदी और श्री कृष्ण को लेकर प्रश्न खड़े किए जाते हैं, उनके रिश्ते पर प्रश्न खड़ा किया जाता है। लेकिन मैं यहां पर आपको साफ साफ एक बात बताने चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी का रिश्ता बिल्कुल भाई बहन के रिश्ते जैसा था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे और द्रौपदी, जिसे दक्षिण भारत में काली का अवतार माना जाता है, और माँ काली पार्वती का ही रूप था, यानी इस नाते से देखा जाए तो वो दोनों भाई बहन ही थे। अब हम बात करते हैं द्रौपदी के चरित्र के बारे में, क्योंकि उनके करैक्टर या चरित्र को लेके अलग अलग कहानियां बनाई जाती हैं। द्रौपदी को वैसे अर्जुन से ज्यादा प्यार था, लेकिन उन्होंने हमेशा ही अपने पांचों पतियों से बराबर पत्नी धर्म निभाया। दोस्तों हमारा तो द्रौपदी के करैक्टर के बारे में यही मानना है कि आज की नारी समाज के ये द्वापर युग की द्रौपदी एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिन्होंने अपने ऊपर आई हुई काफी बाधाओं को पार करते हुए हर बाधा के ऊपर विजय पाई। वो पांडवों के साथ हर बुरे समय अच्छे समय में, चाहे वो पांडव राजा थे या वो पांडव जंगल में थे, अज्ञातवास में थे, उनके जीवन में हर वक्त उनके साथ रही और अंतिम सफर में भी उनके साथ ही थी। जब एक एक करके पांडवों की मृत्यु हुई तो द्रौपदी हमेशा उनके साथ खड़ी रही।
दोस्तों इस हिसाब से द्रौपदी एक क्वेश्चनेबल करेक्टर नहीं थी, बल्कि वो तो एक इंस्पिरेशनल करेक्टर है जिनसे आज की नारियों को इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। आप उनके करेक्टर के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, इस इन्फॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।